दूसरी बार सत्ता पर काबिज होना एनडीए के लिए आसान नहीं है। विपक्ष के गठबंधन इंडिया को मात देने के लिए एनडीए ने विशेष तैयारी की है। एनडीए अपने प्रवक्ताओं को ट्रेंड कर रही है। इस वर्कशॉप में शामिल हुए एक सूत्र के अनुसार बिहार के सांसद चिराग पासवान के इंडिया पर काम हो रहे हैं। इस रणनीति के तहत विपक्ष के इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घमंडिया नाम दिया था। अब घमंडिया को पूरे एनडीए ने अपना हथियार बना लिया है। सत्ताधारी गठबंधन का अब पूरा फोकस इसी शब्द पर होगा। भाजपा या एनडीए में शामिल दूसरे राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता किस तरह से विपक्ष को घमंडिया के जरिए घेरेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग तय कर दी गई है। इसके लिए सत्ताधारी गठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दलों के कुल 73 प्रवक्ताओं को एक दिन का खास ट्रेनिंग दी गई है। वर्कशॉप 11 अगस्त को संसद के अनेक्षी भवन में आयोजित की गई थी। विपक्ष के खिलाफ भाजपा के प्रवक्ता राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हमले से एग्रेसिव रहे हैं। पार्टी लाइन के आधार पर मीडिया में प्रवक्ता समय समय पर बयान देते रहते हैं। इसी तरह से एनडीए में शामिल दूसरे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता भी अपने पार्टी लाइन के आधार पर बोलते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई भी प्रवक्ता अपने पार्टी के लाइन पर नहीं बोलेंगे। इसमें भारी बदलाव किया गया है। प्रवक्ता अब एनडीए के लाइन पर चलेंगे। सूत्रों के अनुसार इन्हें अब एनडीए का प्रवक्ता कहा जाएगा। गठबंधन के तहत दिए गए निर्देशों के आधार पर अपने बयानों को या मीडिया में रखेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए को जीतना है तो उसके लिए विपक्ष के सामने पूरे मजबूती से खड़ा होना होगा। प्रवक्ताओं का बयान देते समय खास ख्याल रखना होगा। अब विपक्ष के गठबंधन को घमंडिया यूपीए 2 बोलना है, इसके जरिए ही उन पर प्रहार करना है। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं की एक दिन की ट्रेनिंग को मीडिया वर्कशॉप का नाम दिया गया था। कुल 6 सेशन में पूरा वर्कशॉप आयोजित हुआ था। शुरुआत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जमुई सांसद चिराग पासवान से हुई थी। फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी का सेशन हुआ था, जबकि लास्ट सेशन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का था। एनडीए में शामिल दूसरे राजनीतिक दलों के भी कई बड़े नेता इस वर्कशॉप में शामिल हुए थे और प्रवक्ताओं को गठबंधन के तहत मीडिया में और जनता के सामने बोलने की ट्रेनिंग देकर गए। उन्हें बताकर गए कि कैसे विपक्ष के इंडिया को घेरना है। किसी धर्म के ऊपर बयान नहीं देने को कहा गया है। बातों को मीडिया में किस तरह रखना है उसके बारे में बताया गया। हम लोग अब एनडीए के प्रवक्ता के तौर पर मीडिया के सामने होंगे। साथ ही बताया गया कि मीडिया के सामने विपक्ष को इंडिया नहीं बल्कि घमंडिया यूपीए 2 बोलना है। इन बिंदुओं पर वर्कशॉप में शामिल सभी प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्र बताते हैं कि विपक्ष को घेरने की तैयारी एनडीए ने सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं की है, बल्कि जल्द ही उनकी प्लानिंग राज्य स्तर पर भी दिखेगी। राज्य स्तर के प्रवक्ताओं को भी ट्रेनिंग मिलेगी। उनके लिए एक दिन का वर्कशॉप आयोजित होगा। बिहार में भी एनडीए के प्रवक्ताओं के लिए मीडिया वर्कशॉप इसी महीने के अंत में हो सकती है। राज्य स्तर पर भी प्रवक्ताओं को गठबंधन की गाइडलाइन के तहत मीडिया में अपना बयान देना होगा। वर्कशॉप के जरिए प्रवक्ताओं को ट्रेंड करने की प्लानिंग जमुई सांसद व लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने की थी। लोकसभा सत्र के दौरान उन्होंने इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा था, जो उन्हें पसंद आया। इसमें चिराग पासवान की अहमियत प्रधानमंत्री के सामने और बढ़ गई, साथ ही एनडीए में उनका कद भी बढ़ा। इसके बाद ही सब कुछ तय हुआ है। राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं को ट्रेंड करके बाद राज्य स्तर की प्लानिंग हुई। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में हुए वर्कशॉप के दौरान चिराग ने प्रवक्ताओं से कहा था कि बयान देते वक्त उन्हें आवेश में नहीं आना है। मीडिया कितना भी प्रवोक करे, आपको गठबंधन और पार्टी के लाइन पर ही बोलना है। किसी धर्म पर ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। बातों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। हमें मीडिया के नैरेटिव में नहीं आना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।